वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप इस वाले ब्यूटीफुल व्यू को इन्जॉय कर रहे हो ना। तो अभी हम लोग सेलुलर जेल से निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, इसके बाद वाली लोकेशन रिवील करते कि कहां पर आए हुए हैं। जब तक आप इस व्यू को इन्जॉय कीजिए। बीच नाम लिखा हुआ दिख गया होगा आप लोगों को। अभी चलते हैं अंदर बीच के अंदर, और बहुत सारे यहाँ पर राइड्स भी हैं। कौन सी राइड्स करेंगे, क्या करेंगे, मैं अंदर जाकर आ चुकी हूँ। मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी, तो फिर अनी बोले कि तुमने वीडियो नहीं बनाया, बाहर से तुम देखने में इतनी मशहूर हो कि तुम्हारा वीडियो रह गया है, तो तुम जाके पहले वीडियो शूट करके आओ। तो मैं आ गई और हनी गए हैं अंदर। हम लोग ने ना राइड्स भी फाइनल कर दी हुई है, कौन से राइड्स है, तो चलो दिखाती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत प्लेस है यार, ये देखो, जहां जहां तक नजर जा रही है ना, वहां वहां तक सिर्फ पानी ही दिखने वाला। ले लिया भैया, वहां तक ना पानी ही दिखने वाला। आप लोगों को याद है हनुमंती है, जब हम गए थे तो मुझे पानी से डर लग रहा था। बस उसी फोबिया को हटाने के लिए ना हमने ये वाली प्लेस चूज करी, मतलब हनी ने चूज करी और बोला कि तुम्हारा जो पानी का फोबिया है उसको हटाएंगे। तो फाइनली हम लोग बीच पर आ चुके हैं। चलो ये रहे हनी, हनी तो रेडी भी हो चुके। देखो शूज वहां उतार क्या का? वो मेरे ब्लू शूज रखे वहां पर। चलो सब यहां पर उतार लेते हैं। सो मैंने यहां पे जूते रिमूव कर दिए हुए हैं और अब चलते हैं पानी के अंदर। देखो अभी ना मैं आप लोगों को बीच भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने कई सारे शॉट्स लगा दिए हुए, आप लोगों ने देख लिया होगा, बट मेरे पास मैंने इतना सब कुछ शूट किया था, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स, मैंने सोचा कि चलो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना तो बनता। और ये फिश देखो यहाँ पे रखी हुई है, पिक लेना था मुझे इसके साथ, बट मेरी पिक ना इसके साथ नहीं ले पाई हूँ। तो चलो यहाँ पर ना, और पता बहुत सारी राइड्स थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राइड्स थी, तो हम लोगों ने कौन सी राइड चूज़ किए वो आगे आप लोग देखोगे ना तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा तो मतलब सस्पेंस रखना चाहिए ना। तो चलो अभी हम लोग राइड्स के लिए रेडी हो जाते हैं, के बाद में आप लोगों से मिलते। जब तक आप लोग व्यू को देखकर एंजॉय करो। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी जैकेट पहन ली हुई है, और ना यहाँ पर लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही थी ना कि मैं यह हार्ड बना रही थी और हम दोनों के नाम लिख रही थी, बट मैं लिख नहीं पा रही थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लहरें कितनी तेज़ आ रही थी। नाव में बैठ चुके, नाव नहीं बोलेंगे इसको, बोट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोट है और बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पे ना वेव्स बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा शूट भी ना कर पाऊँ।
चुकी हूँ। और सबसे जो छोटा आइलैंड है ना उसका वो दिखाती हूँ, कहाँ पे सबसे छोटा आइलैंड है यहाँ पर स्नैक आइलैंड, तो वो दिखाती हूँ। बैक साइड दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो दिखा, ये सबसे छोटा आइलैंड, और पता नहीं मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता स्नैक आइलैंड क्यों पड़ा, बट है स्नैक आइलैंड। तो देखो यहाँ पर हम लोग बीच पानी में खड़े हैं दोनों, हाउ वाज फीलिंग। अभी ना सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ना नारियल पानी दिखाती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने ग्रीन ही देखा होगा, यहाँ पे येल्लो और ऑरेंज कलर का भी नारियल पानी मिल रहा था, और हमारी राइड्स कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि यहाँ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी, क्या क्या था शॉपिंग करने के लिए, बट हम लोगों ने यहाँ से ज़्यादा कुछ भी शॉपिंग नहीं की हुई थी। अभी तो डे स्टार्ट हुए हैं, तो हम लोग सोचे जब जाने का टाइम आने लगेगा ना तभी करेंगे, अभी नहीं खरीदते। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा हुआ है यहाँ से, और ये छोटी छोटी शॉप्स है बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी यहाँ पर भी। अब हम चलते हैं हमारी गाड़ी के पास, और पैर इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे ना, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आपको कैसा लग रहा था बोट में? पीछे हार्ट दिख रहा है आप लोगों को, वो तो जा रहा है, और जूते ना हाथ में पकड़े हैं क्योंकि जूते पूरे ना रेत रेत में हो गए हैं। क्या रेत रेत में हो गए हैं? पीछे का व्यू देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, मस्त है ना, एकदम ऑसम प्लेस लगी मुझे। हमने इतनी सारी प्लेसेस घूमी है अभी तक, शादी के पहले अगर शादी के बाद जितनी भी घूमी उसमें से अभी तक, तो मतलब अभी तो सारी प्लेसेस अच्छी लगती थी, बट अभी इसका भी एक काउंटिंग में आ जाएगी कि हाँ ये भी अच्छी लगी है, तो चलो अभी चलते हैं। एक यहाँ पे ना फोटो खींचते हैं हार्ट के साथ, चलिए ड्राइवर भैया आ गए, वो तो ना। अभी हम लोग निकल रहे हैं सेलुलर जेल जाने के लिए, क्योंकि दिन में हम लोग सेलुलर जेल घूम कर आ चुके थे, और नाइट में होता है वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो, तो वो नाइट में होना था, तो हम लोग सोचे बीच का टाइम था हमारे पास, तो हम लोग ना बीच घूमने के लिए आ गए। तो अभी हम लोग वापस से वहाँ जा रहे हैं, अभी तक तो आप लोगों ने वाला ब्लॉग देख लिया होगा। कॉर्विन कॉर बीच घूमकर कैसा लगा? मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए थे, मैंने सारे के सारे शॉट्स लगा दिए हुए इसमें, तो आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगा, आप लोगों ने भी जितना मैंने इन्जॉय किया आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग के थ्रू इन्जॉय किया होगा। तो मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मतलब क्या बोलना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह है ना, मतलब वो आँखों में एक नज़ारा होता है ना वैसा बस गया है, तो मतलब उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेचुरल ब्यूटी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, बस वही वाली बात है कि मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जो शॉट्स लगाए हुए ना उसी से आप लोग देख कर समझ सकते हो कैसा है कैसा नहीं है। तो चलो अभी इस वाले वीडियो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आप मेरे पिछले ब्लॉग्स को, मेरी अंडमान सीरीज को आप इतना पसंद कर रहे हैं, तो आई होप कि इस वाले ब्लॉग को भी मेरे बहुत सारा प्यार दोगे आप लोग। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर। जब तक आप लोग अगर ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, चल।